नमस्कार, मैं दीप्ति, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आप नेता एचएस फुल्का के विपक्षी पद से इस्तीफा देने पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। एक और जहां फुल्का अपने इस्तीफे को न्याय और सच की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं विपक्षी अकाली दल इसे महज एक ड्रामा बता रहा है। देखो जी, चरणजीत चन्नी जी ने यह गल कही है तो बहुत ही हास्यहीन ते दुखदायक है। सारी दुनिया नूं पता कि जे फुल्का साहब की अगवाई दे विच पिछले बजट सैशन दे विच असी पंजाब दे मुद्दे इन्नी गंभीरता दे नाल इन्ने वधिया तरीके नाल चके कि सरकार ने डरदे हुए धक्के दे नाल आपदे मार्शलां दे राही सानूं ताकि असी आवाज़ नाल लोकां दी चक सकीए, सानूं किस तरह बाहर चक के सुट दिता गया, वह सिर्फ और सिर्फ इस करके क्योंकि सरकार डर गई सी, क्योंकि उन्होंने को आम आदमी पार्टी के MLA दे जवाब नहीं सीगे। नंबर एक, नंबर दो दे उपर सारी दुनिया जानती है कि फुल्का साहब ने 1984 दे सिख दंगे जिहड़े होए सीगे उन्हां दे पीड़ितां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई जिहदे लई सारी उम्र उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उस वजह करके अस्तीफा दिता है। अज कोई कांग्रेस का, अकाली दल का, BJP का कोई सरपंच या नंबरदार भी आपदे उहदे तों अस्तीफा नहीं दिंदा। जे फुल्का साहब ने कैबिनेट मिनिस्ट्री लीडर ऑफ अपोजिशन का रैंक छड्डिया तां मैं समझदा कि इहदे नाल जाहर हुंदा कि वह किन्ने गंभीर ने 84 दे पीड़ितां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई। जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब ने इलेक्शन के पहले ऐलान किए थे, अब ये प्रतीत होता है कि जब वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे तो लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब वो केंद्र के ऊपर बातें डालनी चाहते हैं। किसानों के कर्जा माफ़ी की बात थी, UP ने भी ये अनाउंसमेंट की, 36,000 करोड़ रुपया उन्होंने किसानों का जो है लोन माफ़ी का ऐलान किया, लेकिन उनका बजट पेश हुआ है, आज के न्यूज़पेपर में खबर है कि टोटल बजट का 10% पहला उन्होंने अपने किसानों के कर्जा माफ़ी के लिए रख के वो जो अनाउंसमेंट थी उसके लिए पैसा सुनिश्चित किया। तो हमारे तो यहाँ इतना बड़ा कर्जे का बोझ है, 85,000 करोड़ का कर्जा जो बोला था कि शाहूकार का भी माफ़ होगा, कोऑपरेटिव बैंक का भी माफ़ होगा, नेशनलिस्ट बैंक का भी माफ़ होगा, तो 1500 करोड़ रुपया बजट में रखा गया। इसलिए पहले मुख्यमंत्री साहब को जो उनकी ड्यूटी बनती है वो काम करना चाहिए, अपने ओर से जो ऐलान किए हैं वो पूरे करने चाहिए, केंद्र के पास भी जाएं, इंडस्ट्री के लिए भी जाएं, बाकी चीज़ों के लिए भी जाएं, उसमें हमें भी कोई बोलेंगे तो हम भी उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन जो अपनी ड्यूटी है वो तो खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने देश के लिए पहले क्लियर किया हुआ कि अगर कोई स्टेट अपने मैनिफेस्टो में कर्जा माफ़ी का ऐलान करती है तो उसको खुद से इंतजाम करना। तो इन चीज़ों को अब कैसे जाके उनको सेटिस्फाई करेंगे कि मैंने इलेक्शन में बोल दिया था, तो अब उनसे कैसे मदद मांगे। दूसरा बात है कि जो 31,000 करोड़ का जो इनका फूड सिक्योरिटी का पैसा, पहले तो इलेक्शन के पहले तो इन्होंने बदनाम किया कि ये स्कैंडल है, अब उसी को सेटल करने के लिए फिर प्रधानमंत्री साहब के पास जाके अब सही बात मान रहे हैं कि ये डिफरेंस है अकाउंट्स का और उसके ऊपर ब्याज का। तो पहले तो ये बताएं कि वो स्कैंडल कहाँ गया। उस टाइम सुनील जाखड़ जी ने भी इतना कहा कि 31,000 करोड़ का स्कैंडल हो गया, मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा, तो अब जाके प्रधानमंत्री साहब से जो बात कर रहे हैं वो तो हम भी करते रहे, बहुत बार हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी की, लेकिन तब ये बात मानने को तैयार नहीं थी। पंजाब भर के लाखों डिपो होल्डर 18 जुलाई को पार्लियामेंट का घेराव करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी पंजाब डिपो होल्डर यूनियन के प्रधान गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। यूनियन प्रधान सिद्धू का कहना है कि उनके इस कारोबार में कम आय और आय से अधिक व्यय होने के चलते वे अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे, इसलिए वो सरकार से उनकी कमीशन बढ़ाने व अन्य लाभदायक सुविधाएँ मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं। सिद्धू स्टेट प्रेजिडेंट पंजाब राज डिपो होल्डर यूनियन सिद्धू और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन जी है साड़ी इंडिया लैवल पर प्रतिबंधी, असी एसोसीएट हाँ, तो साढ़े नरेंद्र मोदी जी साढ़े प्रधानमंत्री ने उन्होंने भरा श्री प्रहलाद मोदी जी सानू ये साड़ी अगवाई कर रहे हैं और असी अपनी जो जायज़ मंगा ने उन्हां वास्ते 18 जुलाई में दिल्ली विखे बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं आलोक इंडिया तो,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ UP, ਬਿਹਾਰ, MP, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी में निकलसन रोड पर स्थित AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान बैंक स्टाफ ने विज का हार्दिक अभिनंदन किया और बैंक की कार्यशैली की विस्तृत जानकारी दी। ये नया बैंक सारे हिंदुस्तान में खुल रहा है। पहले ये फाइनेंसिंग में काम करते थे, अब इनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला और सारे हिंदुस्तान में लगभग 300 ब्रांचे छोटे से पीरियड में इन्होंने खोली है। हिमाचल के चंबा जिले में JBT शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा उप निर्देशक कार्यालय में काउंसलिंग प्रतिक्रिया का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान प्रारंभिक शिक्षा उप निर्देशक बलजीत सिंह व DPO SSA सुमन कुमार मिन्हास ने हिमाचल भर से आए सैकड़ों JBT शिक्षकों की काउंसलिंग ली। हम चाहते हैं कि चंबा में कबड्डी गांव-गांव से हम बच्चों को ट्रेन करें और चंबा जिला का नाम कबड्डी में रोशन करें। हमारा एक टूर्नामेंट आ रहा है मिंजर फेयर में, हम अपनी कबड्डी की टीम दे रहे हैं, उसमें अपना बॉयज़ की टीम भी देंगे और साथ में गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में सीमावर्ती गांव मलकपुर निवासी तस्कर को काबू किया। तस्कर की पहचान सुरजीत सिंह के रूप में हुई, जो भारतीय तस्करों से नशीला पदार्थ लेकर उसे आगे बेचता था। पुलिस ने इस तस्कर से करीब 350 ग्राम हेरोइन, 1 देसी पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और अग्रिम कार्रवाई करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया जाएगा। 1-2 महीने से हम लोग जो है रामदास में एक गांव है, मलकपुर गांव है, उसमें जो हम लोग जो है एक सुरजीत सिंह के को ट्रेस कर रहे थे। ये काफ़ी लंबे समय से जो है हीरोइन में जो है डील कर रहा है, कभी ये 50 ग्राम, कभी 100 ग्राम, कभी ज़्यादा क्वान्टिटी में डील करता था। तो रात हमें जो है लेट नाइट में हमें इन्फॉर्मेशन आई कि जो मलकपुर है उससे आगे इसका एक खेती का ज़मीन है, जहाँ पे इसका इसने जो है अपनी ज़मीन के अंदर ही कुछ जो है हीरोइन जो है छिपा के रखी हुई है, जिसको ये जो है बेचने की कोशिश कर रहा है अजनाला सेक्टर में और जो है डेरा बाबा नानक सेक्टर में या अमृतसर सेक्टर में। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जो है हमारी जो NCB की टीम है यहाँ अमृतसर में अवेलेबल, उन्होंने जो हमने जो है सुबह हम 4 बजे गाँव पहुँच 4:30 बजे गाँव पहुँचे, वहाँ पर सरपंच को हमने अप्रोच किया और सरपंच की मौजूदगी में हमने जो है जो सुरजीत सिंह था सन ऑफ प्रीतम सिंह उसको जो है इस बारे में बता के उसके साथ उसके खेत पे गए और वहाँ पे हमने जो है पूरे खेत को सर्च किया। सर्च के दौरान जो है इसने जो है कुछ ईंटियाँ पड़ी हुई थी इसे खेत में कॉर्नर में, वहाँ से इसने ईंटियाँ उठाई और तो ईंटियों के नीचे जो है एक सफ़ेद पॉलीथीन थी, जिसके अंदर जो है हमने देखा कि एक तो पीला टेप लगा हुआ पैकेट है जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस था और एक इसमें कंट्री मेड पिस्टल था, देसी कट्टा जिसको बोलते हैं, और 10 इसमें जो 8 mm के लॉन्ग राउंड थे लाइव राउंड, जो कि उसके साथ ही पन्नी में रखे हुए। फिर ये हमने बरामद किया वहाँ से, फिर आगे हमारी प्रोसीडिंग इसमें चली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक सवेरा।